नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पर 2123 करोड़ की FIs की बाइंग के साथ 245 करोड़ की DIs की बाइंग मार्केट के अंदर इस समय पर सारी फिगर्स आपको देखने को मिलती है। बाइंग की थोड़ा सा आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर DIs एक अपनी प्रॉफिट बुक करने की जोन पर 2489 करोड़ का प्रॉफिट अब तक कर चुके हैं बुक मई के अंदर, और FIs कॉन्टिन्यूस लॉन्ग 7651 करोड़। देखो दोस्तों, हमने अपने व्यू को नहीं बदला, मार्केट के अंदर जिस डायरेक्शन में हम चल रहे थे मार्केट उसी डायरेक्शन में हमारे को मूवमेंट दिखा भी रहा है। और दोस्तों, इस समय पर मैं आपको थोड़ा सा अगर डिटेल में दिखा कर चलूंगा तो मैंने आप लोगों के साथ जिस तरीके का एनालिसिस किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि डाउ जोन्स के लिए हम लोगों ने एक रेंज डिफाइन की हुई है। डाउ जोन्स इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर डाउ जोन्स इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा तो आने वाले वक्त में, देखो दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जिसके अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब ये निकल कर आता है कि नीचे जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस को एवरेज किया वो लोग इस जगह पर जाकर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हम सब लोग इसको देख पाते हैं कि मार्केट में हर हाई के पास में एक विक बनी है, मतलब हाई के पास में सेलिंग की विक बन रही है और इस बाइंग के अंदर भी हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो पहली बात तो हमें समझ में आती है कि डाउ जोन्स अभी किस जगह पर है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर कुछ लोग इसमें स्टॉक्स को इकट्ठा कर रहे होंगे। इस स्टॉक को इकट्ठा करते समय पर मार्केट के अंदर नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे। जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैश के अंदर बाइंग करके चलेंगे तो पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है कि हो सकता है कि फ्यूचर्स को शॉर्ट करें, या पुट पोजिशन को लॉन्ग करें, और अगर मार्केट के अंदर एक डिप आएगी तो वो प्रॉफिट को बुक करेंगे। और उस प्रॉफिट को बुक करने के साथ में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ डाउ जोन्स के अंदर निचले लेवल से बाइंग आएगी। अभी हम डाउ जोन्स को थोड़ा डिस्कस करके चलते हैं। उसका सबसे बड़ा वजह कि डाउ जोन्स का जो बड़ा फर्क है ये हमारी मार्केट्स के ऊपर पड़ना होता है, मतलब ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर पड़ना होता है। मार्केट के अंदर हमने देखा डाउ जोन्स कैसी है, लाल। इसकी वजह से यूरोपियन मार्केट कैसी है, हल्की सी हरी, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी वो भी कैसी है, हल्की सी लाल। निकेई कैसा है आपके इसमें, हल्का सा लाल। तो एशियन मार्केट्स कैसे हैं इस समय पर, हल्के हल्के लाल। और यहाँ पर आप देखते हैं कुछ मार्केट कैसे हैं, डार्केस्ट ग्रीन, मतलब वो क्या है, बुलिश 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 और वेरी बुलिश। ये तो मार्केट का इस समय पर ग्लोबल मार्केट का एक सिनेरियो में देखने को मिलता है। पर हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट का क्या व्यू है, किस लेवल को वो डिसाइड करके चल रहे होंगे, किस लेवल की उनकी तैयारी चल रही होगी, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी को समझना पड़ेगा। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर हम समझ पाएंगे कि मार्केट एग्जैक्टली निफ्टी के टॉप 50 के जो कंपनीज हैं उनके फ्यूचर्स किस तरीके से हमारे ग्लोबल मार्केट सिंगापुर निफ्टी पर ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यार 18,320 का लेवल कॉन्टिन्यूसली देखिएगा कि 18,320 का लेवल एक ऐसी जगह बन रही है जिस जगह पर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट एग्रेसिवली प्रॉफिट को बुक करके चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो नीचे आकर वो अपनी सेलिंग को स्टॉप कर देते हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान समझिएगा। मार्केट के अंदर आज अगर मैं FIs और DIs का डेटा देखता हूँ तो 2123 करोड़ की मार्केट के अंदर बाइंग है, 245 करोड़ की DIs की भी बाइंग है। तो कहने का सीधा मतलब निकलता है, मैंने आपसे अभी जो कहा कि मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग मतलब देखिए ना कि 6,700 करोड़ की, 6,581 करोड़ की, जब ये प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट पार्टिसिपेंट ने निचले लेवल पर आते ही मार्केट के अंदर सेलिंग को स्टॉप किया। और ये देखिए सेलिंग आपको स्टॉप होती हुई दिखाई भी दी। तो जैसा मैं आपसे बोलता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ डेटा चल रहा होता है। डेटा के व्यापार में आपसे बात करता हूँ कि हो क्या रहा है, अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रहोगे तो यार आप ना बायस्ड हो जाओगे, है ना। कभी आप देखोगे कि यार इस बैंक का रिजल्ट डाउन आया और मार्केट नीचे गिर गया और आप कहोगे अब तो इस स्टॉक से बाहर निकल जाओ, और हम उस जगह पर आपको बता रहे होते हैं कि यार इस जगह पर यार खरीदने वाले ने कहाँ खरीदारी करी होगी। आपको मैंने बहुत अच्छे से स्टॉक्स को एनालाइज करके आप लोगों को बताया होता और मेरी किसी तरीके की कोई बायस की रिकमेंडेशन होती नहीं है आप लोगों को। सेम चीज जो हम लोगों ने अपने क्लाइंट के साथ इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर की होती है, सीखने के लिए, वही चीज हम लोगों ने आपके साथ में भी शेयर की होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं मार्केट के अंदर इस समय पर ये मार्केट चल रहा था कि 18,320 की तरफ हमारा मार्केट मूव कर रहा है, लेकिन 18,320 एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है जिसके बाद से मार्केट पार्टिसिपेंट अपने प्रॉफिट को बुक करके चले हैं, लेकिन निचले लेवल पर आके वो अपनी सेलिंग को स्टॉप कर देते हैं। मतलब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लेकिन निचले लेवल पर आकर अपनी सेलिंग स्टॉप कर देते हैं, मतलब मार्केट के अंदर बेरिश पोजीशन नहीं बना रहे।
मतलब तो ये निकला। अब मैं यहाँ पर अगर आपको इसको निफ्टी के ऊपर लगा कर दिखाता हूँ कि ये मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा दिया, ये हमारा निफ्टी का आज का कामकाज। और इसको बिना मैं जैसे कि जनरली 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हमेशा ब्रेक करता हूँ, तो मैंने इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसको ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे इस समय पर मार्केट में ऊपर के लेवल पर, आप भी देखिएगा, आप सोचिए ना कि ऊपर के लेवल पर यहाँ पर आपको एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल रही है, या मार्केट के अंदर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रही है, या आप इसे केवल प्रॉफिट बुकिंग बोलोगे। अब आप इसे खुद देखो और आप खुद बताओ ये नीचे आपके इसमें सेलिंग के अंदर ये चीज क्या है, 1 घंटे की कैंडल है एग्रेसिव बाइंग, ये चीज क्या है एग्रेसिव बाइंग। इस जगह पर जाकर क्या हुआ, मार्केट के अंदर बाइंग स्टॉप हो गई। इस जगह पर जाकर क्या हुआ, मार्केट पार्टिसिपेंट ने हर उछाल पर एक पार्शियल प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट कर दिया। इन तीनों कैंडल्स में लास्ट के 3 घंटे में क्या हुआ भाई, प्रॉफिट बुकिंग आई है। मार्केट का लेवल कितना है, 18,269 का लेवल है। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ कि मार्केट इस जगह पर जाकर प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, उनके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा। ऑब्जेक्टिव ये रहा होगा कि जिसने यहाँ पोजिशन को लॉन्ग किया, अब वो अपनी पोजिशन में से कुछ प्रॉफिट को बुक कर लेगा, तो कुछ पोजिशन के साथ उसका व्यू कैसा है, अभी भी लॉन्ग है, उसने सारी पोजिशन क्लोज की होती, कैंडल्स हमारे को बड़ी देखने को मिलती है, किसी भी रेट पर बेचने को तैयार होता, पर वो हर रेट पर तो बेचने को तैयार नहीं है, महंगे रेट पर बेचने को तैयार है। मार्केट के अंदर ये चीज हमें जाकर, जब हम कॉल राइटिंग के साथ में इसको जाकर कंबाइन करते हैं, तो एक ही लॉजिक समझ में आता है कि आज मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा माहौल था किसी भी तरीके से, जिन लोगों ने पीछे कॉल की पोजीशंस को लॉन्ग किया था जब कॉलें सस्ती मिल रही थी, आज जाके उनमें प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। और आज हम लोगों ने देखा भी कि कॉल की पोजीशंस के अंदर प्रॉफिट को बुक किया गया, हमारे क्लाइंट्स ने 18,200 की कॉल के अंदर प्रॉफिट को ऑलरेडी बुक कर लिया। काफी पीछे से 18,200 की कॉल की हमारी पोजीशंस थी, जिन्हें आज हम लोगों ने अपनी क्लोज कर दिया। अब दोस्तों नई पोजीशंस भी ऑफ कोर्स है आज हम लोगों ने ओपन की हैं। हमारा इस समय पर नया बैच जो बना है वो मई का बैच बना है, और इस मई के बैच के अंदर हम लोगों ने जो पोजीशंस ओपन किए हैं उन पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जो बता के चल रहा हूँ, तो मेरा व्यू मार्केट में रेंज बाउंड है, मतलब मार्केट मुझे एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट जिस जगह पर रेंज बाउंड है, ऐसी जगह पर मार्केट पार्टिसिपेंट हेज पोजीशंस बनाते हैं। इन हेज पोजीशन में उनका ऑब्जेक्टिव मार्केट में पैसा ऑप्शन की सेलिंग से निकालना होता है, और अपनी पोजीशन को हेज इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में एक भी जगह पर या तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, या निचले लेवल से एक बड़ी अगर बाइंग आ गई, तो मार्केट में क्या होगा, उनके शॉर्ट्स ना फंस जाएंगे। तो उन्होंने पोजीशन कैसी के रखी होती है, हैज कर रखी होती है। आज अगर आप जाओगे और जाकर ऑप्शन चेन को देखोगे, तो एग्जैक्टली जैसा जैसा मैंने आपको समझाया ना, वैसा आपको ऑप्शन चेन से भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन चेन भी हमें यही बता के चल रही है कि मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है। अब ये रेंज निकल के कितनी आती है, तो यार ये जो रेंज बनती है आप देखकर हैरान रह जाओगे कि ये 18,200 से लेकर 18,350 के आसपास की रेंज निकल कर आती है, कि मार्केट 18,200 से 18,350 की एक टाइट रेंज के अंदर काम करके चल रहा है। अब देखिए 320 के ऊपर निकल के 350 के ऊपर, तो देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि यार मार्केट ने अगर अपने 320 के लेवल को क्रॉस किया, तो 320 के लेवल के बाद मार्केट के अंदर तो यार काफी आगे के लेवल्स खुलते हैं। अब वो आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो मार्केट अपने नए हाई की तरफ जा सकता है। अब वो एक्सपेक्टेशन है, आपसे फिर कहूंगा मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो क्या है एक्सपेक्टेशन है, और उस एक्सपेक्टेशन के ब्याप पर अब हम क्या ऑब्जर्व करके चल रहे हैं, हम जून की पोजीशंस को ऑब्जर्व करके चल रहे हैं। जनवरी फरवरी मार्च की सारी पोजीशंस जो हम लोगों ने अभी तक क्लोज की थी, और मेरे ख्याल से इसके अंदर हम लोगों ने शायद 10 अप्रैल तक की पोजीशंस आप लोगों के साथ जो भी हमने क्लोज की थी वो सारी हम लोग आपके पास में शेयर कर चुके हैं हमारे वेबसाइट पर। अब उसके बाद में, अब जब से आपके पास में ना, मतलब ये मई से, मतलब 1 मई से, अभी ना मुझे इसका आइडिया नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार मई की पोजीशन जो आपने क्लोज की वो शेयर नहीं करी। यार देखो भाई मैं आपको बता दूं कि अभी ना जो नई कंप्लायंसेस आई हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे सच में पता नहीं है कि जिन पोजीशंस को हमने क्लोज किया है, क्या हम इसको, मतलब 1 मई से जो नए सर्कुलर्स पास हुए हैं, तो उन पोजीशंस को क्या हम पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, मतलब हम क्या उसको जाकर बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि किस लेवल पर हम लोगों ने उसको लॉन्ग किया था, और किस लेवल पर हमने उसको क्लोज किया, और कितना प्रॉफिट हम लोगों ने उसके अंदर बुक किया, क्या ये हम लोग दिखा सकते हैं, तो ये मुझे अभी पता नहीं है। तो जब तक मेरे पास इसकी कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक मैं उन पोजीशंस को, मतलब अपने उस फैक्ट शीट को आप लोगों के साथ डिस्प्ले में या डिस्क्लोज नहीं कर सकता। पुरानी पोजीशन जो मैं ऑलरेडी पब्लिक में शेयर दिखा चुका हूँ, तो वो वैसे ही एज इट इज बनी पड़ी है, वो रिकॉर्ड्स के अंदर, उनको मैं कभी हटा भी नहीं सकता। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करके चलता हूँ मेरे इस एनालिसिस को देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आने वाले वक्त में इसी तरीके के एनालिसिस के अंदर आप लोग बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास आते रहेंगे। दोस्तों इस शनिवार और इतवार को आप लोगों की क्लास नहीं है, तो मतलब आप ये बात ध्यान रखिए,
रखिएगा और ना अगले शनिवार और इतवार को क्लास हो पाएगी। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग जून के अंदर फिर से आपके पास में अपनी 8 क्लासेस रखेंगे, मतलब हमारी कोशिश होगी हम अपनी 8 क्लासेस रखेंगे जून के अंदर, जिसके अंदर हम लोग अपने आगे की क्लासेस को कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप में से वो सभी लोग जो लोग कभी ना कभी मेरे साथ किसी भी कोर्स में या मेरी किसी बुक में मेरे साथ में थे, या फिर आने वाले वक्त में कभी भी आपने कोई मेरी रिकमेंडेशन वाली किसी भी, मतलब चाहे निफ्टी की रिकमेंडेशन को चाहे स्टॉक्स की रिकमेंडेशन को अगर आपने कभी भी ज्वाइन किया है, तो आप लोग उन क्लासेस को ले सकते हो। ये आप ही के नॉलेज के लिए मैंने बनाई है, उनकी मैं आपसे कोई भी फीस चार्ज कर नहीं चल रहा हूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।